नमस्कार दोस्तों, केटी वॉइस स्टोरीज में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पति हुआ लाचार तो पत्नी ने बनाई गैर लड़के से संबंध। घंटी बजी तो दौड़कर उसने दरवाजा खोला। सामने लगभग 20 साल का एक नवयुवक खड़ा था। उसने वहीं खड़े खड़े दरवाजे के बाहर से ही अपना परिचय दिया। जी, मैं मदन हूँ, पवन जी का बेटा। पापा ने आपको संदेश भेजा होगा, आओ भीतर आओ, कहकर उसने दरवाजे पर जगह बना दी। मदन संकोच करता हुआ भीतर आ गया। जी, मैं आज ही यहाँ आया हूँ, आपको तकरीबन 10 साल पहले देखा था, तब मैं स्कूल में पढ़ रहा था। आपकी शादी का कार्ड हमारे घर आया था, तब मेरे हाई स्कूल के एग्ज़ाम थे, इसलिए आपके विवाह में शामिल नहीं हो सका था। मैं यहाँ कॉलेज की पढ़ाई के लिए आया हूँ, और यह लीजिए, पापा ने यह सामान आपके लिए भेजा है, कहकर उसने एक बैग दे दिया। बैग में बगीचे के ताज़ा फल, सब्जियाँ, अचार वगैरह थे। उसने खूब खुशी से आभार जताकर बैग ले लिया और उसको चाय, नाश्ता वगैरह सर्व किया। इसी बीच उसने जोर देकर कहा, तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे पापा को कह चुकी हूँ कि सब कुछ तैयार मिल जाएगा, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना। मदन यह सुनकर बस एक बार में ही मान गया, मानो इसी बात को सुनने के लिए बेचैन था। वह उठा और जल्दी से अपना सब सामान जो उसने बाहर बरामदे में रखा था भीतर ले आया। उस दिन मदन अपना कमरा ठीक करता रहा। कुछ ही देर बाद वह वहाँ अपनापन महसूस करने लगा था, मगर उसका दिल यहाँ इतनी जल्दी लग जाएगा, यह उसने सोचा ही नहीं था। अगले दिन मदन को उसने अपने पति से मिलवाया। मदन हैरान रह गया कि वे मकान के सबसे पिछले कमरे में खामोश लेटे हुए थे। कमाल है, कल दोपहर से रात तक इनकी आवाज़ तक सुनाई नहीं दी, मदन सोचता रहा। उसने मदन की सोच में व्यवधान डालते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि यह दिन भर तो सोते रहते हैं और रात भर जागते हैं, मगर कल कुछ ऐसा हुआ कि दिन भर और रात भर सोते ही रहे। वह मदन के आने से बहुत ही खुश थी। दो लोगों के सुनसान घर में कुछ रौनक तो हो गई थी। एक सप्ताह बाद एक दिन मदन रसोई में आकर उसका हाथ बटाने लगा तो वह हंसकर बोली, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारा काम है पढ़ना। जवाब में उसने कहा, हाँ पढ़ना तो मेरा काम जरूर है, मगर इतना भी बच्चा नहीं हूँ, मैं पूरे 21 बरस का हूँ। उसने आश्चर्य से देखा तो मदन बोला, 12वीं में 1 साल खराब हो गया था, इसलिए, वरना अभी कॉलेज में सेकंड ईयर में होता हूँ, कहकर वह चुप हो गई। एक दिन बातों बातों में मदन ने उससे पूछा, आपके पति को क्या हुआ है, वे कमरे में अक्सर क्यों रहते हैं? वे बिल्कुल फिट थे पहले तो, अच्छा खासा कारोबार देख रहे थे, हमारा सेब और चेरी का बगीचा है, उससे बहुत अच्छी आमदनी होती है। हुआ यह कि ये पिछले साल ही पेड़ से गिर पड़े, सब इलाज करा लिया है, कपकपा कर चल पाते हैं, फिलहाल तो 10 कदम चलने में भी पूरे 10 मिनट लगते हैं, इसलिए अपने कमरे में ही चहलकदमी करते हैं। सप्ताह में 2 दिन फिजियोथेरेपी कराने वाला आता है, बाकी फिल्में देखते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है कि समय लगेगा, पर फिर आराम से चलने लगेंगे। ओह, मदन ने यह सुनकर उनकी तरफ देखा, वह जानता था कि मुश्किल से 4-5 साल ही हुए होंगे इनके विवाह को। उसने अंदाज़ा लगाया और अपनी उंगली में गिनने लगा। वह फिर बोली,
हाँ, 4 साल हो गए हैं इस अप्रैल में। याद है ना, तुम्हारी 10वीं के पेपर चल रहे थे तब, और उससे पहले भी मैं आपसे नहीं मिला था। शायद 7वीं में पढ़ता था तब एक बार आपको देखा था। आप पापा के पास कुछ किताबें लेकर आई थी। हाँ, तब तुम्हारे पापा मेरे इतिहास के शिक्षक थे और मैं उनको किताबें लौटाने आई थी। उसके बाद मैं दूसरे स्कूल में जाने लगी थी और तुम्हारे पापा मेरे अध्यापक से मेरे भाई बन गए थे। दिन गुजरते रहे। मदन को वहाँ रहते 5 महीने हो गए थे। वह यूं तो लड़कपन के उबड़ खाबड़ रास्ते पर ही चल रहा था, लेकिन यह साफ समझ गया था कि इन दोनों की खामोशी जिंदगी में फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा वही है जो थोड़ा बहुत संगीत की सुर लय ताल पैदा कर रहा था। मदन ने देखा था कि बगीचे में काम करने वाले ठेकेदार वगैरह भी एक आध बार आए थे और कोई बैंक वाला भी आता था, पर कभी कभी मदन आज बिल्कुल ही फुर्सत में था, इसलिए वह गुनगुनाता हुआ रसोई में गया और चट से उसकी दोनों आंखें बंद करके उसके कानों में मुंह लगाकर बोला, रमा, आज मैं कर दूंगा सारा काम, तुम इधर आओ, यहाँ बैठो इस जगह। और वह होले होले रमा के मुलायम अभी अभी धुले गीले और खुशबूदार बालों को लगभग सूंघता हुआ उसको एक कुर्सी पर बैठाने लगा। लेकिन रमा उसको वहां बैठाकर खुद उसकी गोद में आसीन हो गई। दोनों कुछ पल ऐसे ही रहे, न हिले डुले ना कुछ बोले, बस चुपचाप एक दूसरे को महसूस करते रहे। 2 मिनट बीते होंगे कि कहीं से कुछ खांसने की सी आवाज आई तो दोनों चौंक गए और घबरा कर रमा ने मदन को अपने आप से तुरंत अलग किया। हालांकि मदन की इच्छा नहीं थी कि वह उससे अलग हो। मदन मन ही मन बीती दोपहर की उस मधुर बेला को अचानक याद करने लगा और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। रमा ने यह सब ताड़ लिया था। वह उसके दाहिने गाल पर एक हल्की सी चपत लगाकर और बाएं गाल पर मीठा सा चुंबन देकर उठ खड़ी हुई। उसी पल मदन भी यह फुसफुसाता हुआ कि दूसरे गाल से इतनी नाइंसाफी क्यों, अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसके बगल में आकर काम करने लगा। रमा के बदन में जैसे बिजली कौंध रही थी। वह कितनी प्रफुल्लित थी, यह उसका प्यासा मन जानता था। वह तो ऐसे अद्भुत अनुभव को तरस ही गई थी, मगर मदन ने उसका अधूरापन दूर कर दिया था। तपते रेगिस्तान में इतनी बरसात होगी और इतनी शानदार, वह खुद बीता हुआ कल याद करके पुलक सी उठी थी। खांसने की आवाज़ दोबारा आने लगी थी। वह 2 कप चाय लेकर मदन को प्यार से देखती हुई वहाँ से निकली और पति के कमरे तक पहुँच गई। मदन चाय की चुस्कियाँ लेते हुए अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। उसने जानबूझकर 2 बार एक छोटी कटोरी फर्श पर गिराई, मगर रमा उसके इस इशारे को सुनकर भी उसके पास नहीं गई। पति की दोनों हथेलियों को सहलाती हुई रमा उनमें मदन की देह को महसूस करती रही और अपने आप से बोलती रही, प्यार हमारे जीवन में बिल्कुल इसी तरह आना चाहिए, किसी उन्मुक्त झरने की तरह। उसके भीतर गुदगुदाहट सी मदहोशी छा रही थी, लेकिन रमा इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थी कि पति को उसका अनजाना सा स्पर्श उद्वेलित कर रहा था। वे कल से एक नई रमा को देखकर हैरान थे। इस पूरे हफ्ते रमा ने और भी कुछ नया नया सा रूप दिखाया था। वह उनकी तरफ पीठ करके लेटती थी, मगर अब तो वे दोनों बिल्कुल आमने सामने होते थे। यह वही रमा है, वे हैरान रह गए थे। उनको याद आ रहा था कि
कि जिसको अपने पति की इतनी सी गुजारिश भी नागवार गुजरती थी, जब वे कहते थे कि रमा मेरी दोनों हथेलियां थाम लो ना, रमा वे कुछ सेकंड अनमने मन से उनको अपने हाथों में पकड़ लेती और फिर करवट लेकर गहरी नींद में खो जाती थी। अब आजकल तो चमत्कार हो रहा था, रमा जैसे नई नवेली दुल्हन सी बन चुकी थी और उसके ये तेवर और अंदाज उनको चकित कर रहे थे। मदन भी, जो शुरू शुरू में उनसे कभी कभार ही एकाध सेकंड को ही मिलता था, वह अब कंधे भी दबा रहा था, चाय भी पिला रहा था। एक दिन रसोई से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे दो लोग लड़ाई कर रहे हो। लेकिन बगैर कुछ बोले वे पहले तो हैरान होकर कल्पना करते रहे, फिर छड़ी के सहारे होले होले वहां तक पहुंचे तो देखकर स्तब्ध ही रह गए। वहां दो दीवाने एक दूसरे में खोए हुए थे और इतना कि उन दोनों में से किसी एक को भी उनके होने की आहट तक नहीं थी। वे वापस लौट गए तो कुछ कदम चलने के बाद अपने कमरे के पास ही अचानक ही लड़खड़ा गए। खट की सी आवाज आई। इस आवाज से मदन चौंक गया था, मगर रमा की किलकारी गूंज उठी थी। 10 कदम में भी उनको पूरे 10 मिनट लगते हैं और फिर दो अलग अलग आवाजों की खिलखिलाहट कोई दैत्य बनकर रसोई से दौड़कर आई और अपना रूप बदल लिया। अब वह छिछोरी हंसी उनके कानों में गरम तेल बनकर दिल तक उतरती चली गई। सीने की जलन से तड़प कर वे चुपचाप लेट गए, आंखें बंद कर ली, दोनों मुट्ठियां कसकर भींच ली और लेटे रहे, मगर किसी भी हालत में एक आंसू तक नहीं बहने दिया। रमा को जो जीवन एक लादा हुआ जीवन लग रहा था, अब वही जीवन फूल सा, बादलों सा, रुई के फाहे सा लग रहा था। वह मदन के यहाँ आने को कुदरत के किसी करिश्मे की तरह मान चुकी थी। मदन को यहाँ 1 साल पूरा होने जा रहा था और रमा अब खिल कर निखर निखर सी गई थी। सुबह शाम और रात रात भर पूरा जीवन मस्ती से सराबोर था। बस एक ही अजीब सी बात हो रही थी। रमा ने गौर किया कि इन दिनों पति शाम को जल्दी सो जाते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने दोनों हाथ तकिए में बिल्कुल छिपा कर रखते हैं, क्योंकि रमा नहीं जानती थी कि पति ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। पर वो कुछ करते भी तो क्या, जब वो खुद मजबूर थे। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करें।